नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। भारत नेपाल के रिश्ते की कड़वाहट के बीच दोनों देशों के लोगों के दिलों में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, रोटी बेटी के रिश्ते में किसने दरार डाल दी। इस शो में हम उसी वजह का खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल नेपाल के बुजुर्ग पीएम खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे। दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे और भारत नेपाल के संबंधों का सौदा कर लिया। ये सारा खेल एक चीनी जासूस ने शुरू किया जो नेपाल में राजदूत का लवादा ओढ़ कर पहुंची थी, जबकि थी वो विष कन्या, जिससे इशकिया करके ओली के दिल डोल गया। जिस्म की रिश्वत लेकर ओली ने बरसों पुराने रिश्ते बेच दिए। भारत नेपाल के संबंध बिगड़ने लगे। जिस चीन के लिए ओली ने सौदेबाजी की, उसी चीन ने ओली का एमएमएस बना डाला। ओली चीन का शिकार हो चुके थे। दरअसल ये एक खेल था जिसमें ओली मोहरा थे जो चीनी राजदूत के इशारे पर नाच रहे थे। भारत नेपाल के बरसों पुराने संबंध अचानक से उन संबंधों में दरार आने लगी। दोनों देशों के लोग इस बात पर हैरत में थे कि अचानक से ऐसा क्या होने लगा कि दोनों देशों के बीच विवाद इतना गहरा हो गया कि जो नेपाल भारत को बड़े भाई की तरह मानता था वो आंखें तरेरने लगा। यहां तक कि बॉर्डर के 3 इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया। दरअसल इसके पीछे चीन का बड़ा खेल था और उसी खेल को पूरा करने के लिए एक विष कन्या चीन ने नेपाल भेजी। हो यांकी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बेहद करीब आ गए और ओली का विश्वास जीतने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ ना सिर्फ ओली को भड़काया बल्कि सीमा विवाद को जन्म दिया। यांकी कॉफी लेंगी? यस, लेकिन सिर्फ कॉफी। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। सही कहूं तो नेपाल में आपके जैसा इंटेलिजेंट और सुलझा लीडर कोई और लेंगे। थैंक्स यांकी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप एक बार कहिए तो सही। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई में आपके बारे में सोचती हूँ। वैसे मेरे पास आपके लिए सत्ता में मजबूती से बने रहने का एक बड़ा प्लान है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। क्या हम इस मीटिंग को थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं? डिनर साथ में करें तो? दरअसल मैं भी आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ जिससे आपको समझने और जानने का मौका मिले। इस दौरान हम आपकी सत्ता पर पकड़ को लेकर भी बात कर पाएंगे। मिस्टर ओली, मुझे लगता है अब सही वक्त है आपको दुनिया में अपने वजूद को दिखाने का। इसकी शुरुआत भारत से की जानी चाहिए। भारत से कैसे? वहाँ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। अब खुलासा हो चुका है कि नेपाल का प्रधानमंत्री आखिर चीन के इशारे पर इतना क्यों नाच रहा है। दरअसल चीन के पास ओली के कुछ निजी पलों के फोटोज और वीडियोज हैं और इन्हीं फोटोज और वीडियोज के बल पर चीन लगातार ओली को अपने इशारे पर नचाता रहा है। काठमांडू स्थित चीन के राजदूत हो यांकी को लेकर के काफ़ी खबरें उड़ रही हैं और काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। आजकल हो यांकी बड़े चर्चे में है, न सिर्फ अपनी सुंदरता की वजह से लेकिन इस वजह से भी कि शायद उन्होंने अपनी सुंदरता का उपयोग नेपाली गवर्नमेंट में अपनी घुसपैठ बनाने और चीन के पक्ष में नेपाली सरकार का निर्णय प्रभावित करने के लिए किया है। पहले तो ओली को लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन विष्कन्या ने जब अपना जहर छोड़ना शुरू किया तब तक ओली ड्रैगन के जाल में फंस चुकी थी। ओह मिस्टर ओली, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। अगर आप भारत से संबंध बिगड़ेंगे तो चीन की नजरों में आपकी अहमियत सबसे ज्यादा हो जाएगी। वो कैसे? चीन नेपाल को भारत के आगे क्यों तवज्जो देगा? वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, जैसा मैं कहूँ वैसा आप कीजिए। जी, वैसे भी मैं तो आपसे वादा कर चुका हूँ। हमें भारत को दिखाना है कि नेपाल भारत को जवाब दे सकता है। 3 इलाकों पर आप अपना दावा कीजिए, बाकी चीन का साथ है। ठीक है, तुम्हारी हर बात मानता हूँ। चीन साथ है तो भारत की जरूरत नहीं। नेपाल में हर समारोह में, हर कार्यक्रम में हो यांकी दिख रही थी। हालांकि तब तक किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन जब नेपाल से संबंध खराब होने लगे तो सबका ध्यान गया कि कहीं यांकी ओली को बहका कर ये खेल तो नहीं करा रही।
यांकी के कहने पर नेपाल का नक्शा भी नए सिरे से तैयार करवा दिया और इसी के बाद से भारत और नेपाल के संबंधों में दरार आई, या फिर यूं कह सकते हैं कि और ज्यादा खराब हुए। और अगर इसका श्रेय यांकी को जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। यांकी की अदाओं पर एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री न सिर्फ दिल हार रहा था बल्कि वो अपने देश को भी हारने को बेताब था। उसे लग रहा था कि ढलती उम्र में सत्ता और हुस्न के कॉकटेल से वो हसरतों के सातवें आसमान पर जा पहुंचेगा, लेकिन अय्याशी का पैमाना जब टूटा तो ओली औंधे मुंह गिरे कि अब सत्ता बचाने के लिए भी ड्रैगन की शरण में जाना पड़ा, जो कि पहले से ही ओली को मोहरा बनाकर नचा चुका है। मानो यांकी जैसे पूरी तरह से तैयार होकर आई थी, उसने ओली पर पूरी रिसर्च की, ओली के बारे में जाना और एक मादक मुस्कान अपने चेहरे पर रखी। केपी ओली मिलते तो वो मुस्कान सारे राष्ट्रवाद पर हावी हो जाती, फिर जो यांकी कहती तो ओली कहते यस मैम हो जाएगा। हो यांकी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बेहद करीब आ गए और ओली का विश्वास जीतने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ ना सिर्फ ओली को भड़काया बल्कि सीमा विवाद को जन्म दिया। यांकी कॉफी लेंगी? यस, लेकिन सिर्फ कॉफी। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी, सही कहूं तो नेपाल में आपके जैसा इंटेलिजेंट और सुलझा लीडर कोई और नहीं है, जो कहूं वो मानेंगे। थैंक्स यांकी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, आप एक बार कहिए तो सही। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई में आपके बारे में सोचती हूँ। वैसे मेरे पास आपके लिए सत्ता में मजबूती से बने रहने का एक बड़ा प्लान है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। क्या हम इस मीटिंग को थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं? डिनर साथ में करें तो? दरअसल मैं भी आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, जिससे आपको समझने और जानने का मौका मिले। इस दौरान हम आपकी सत्ता पर पकड़ को लेकर भी बात कर पाएंगे। मिस्टर ओली, मुझे लगता है अब सही वक्त है आपको दुनिया में अपने वजूद को दिखाने का। इसकी शुरुआत भारत से की जानी चाहिए। भारत से कैसे? वहाँ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। अब खुलासा हो चुका है कि नेपाल का प्रधानमंत्री आखिर चीन के इशारे पर इतना क्यों नाच रहा है। दरअसल चीन के पास ओली के कुछ निजी पलों के फोटोज और वीडियोज हैं और इन्हीं फोटोज और वीडियोज के बल पर चीन लगातार ओली को अपने इशारे पर नचाता रहा है। काठमांडू स्थित चीन के राजदूत हो यांकी को लेकर के काफी खबरें उड़ रही हैं और काफी कुछ कहा जा रहा है। आजकल हो यांकी बड़े चर्चे में है, न सिर्फ अपनी सुंदरता की वजह से लेकिन इस वजह से भी कि शायद उन्होंने अपनी सुंदरता का उपयोग नेपाली गवर्नमेंट में अपने घुसपैठ बनाने और चीन के पक्ष में नेपाली सरकार का निर्णय प्रभावित करने के लिए किया है। पहले तो ओली को लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन विश्वकन्या ने जब अपना जहर छोड़ना शुरू किया तब तक ओली ड्रैगन के जाल में फंस चुकी थी। ओह मिस्टर ओली, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। अगर आप भारत से संबंध बिगड़ेंगे तो चीन की नजरों में आपकी अहमियत सबसे ज्यादा हो जाएगी। वो कैसे? चीन नेपाल को भारत के आगे क्यों तवज्जो देगा? वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, जैसा मैं कहूँ वैसा आप कीजिए। जी, वैसे भी मैं तो आपसे वादा कर चुका हूँ। हमें भारत को दिखाना है कि नेपाल भारत को जवाब दे सकता है। तीन इलाकों पर आप अपना दावा कीजिए, बाकी चीन का साथ है। ठीक है, तुम्हारी हर बात मानता हूँ, चीन साथ है तो भारत की जरूरत नहीं। देखिए, यह संभव भी हो सकता है, हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि विश्वकन्याओं का उपयोग शुरू से ही जासूसी में किया जाता है और ऐसे स्तर पे तो होने की संभावना होती है। और अभी भी डिप्लोमेसी में विश्वकन्याओं का खेल चलता है। 1950 के दशक में एक चीनी महिला ने हमारे दूतावास में स्थित किसी जूनियर अधिकारी को हनीट्रैप किया था और आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान वगैरह से कितने हनीट्रैप करके हमारी सूचनाएं गोपनीय सूचनाएं मिलिट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों से ली जा सकती है। ड्रैगन ने सोच समझ कर एक गहरी चाल चली जिसमें ओली फंस गए और नेपाल का काफी नुकसान हो गया, जबकि भारत से कूटनीतिक तौर पर नेपाल के रिश्ते में कड़वाहट घुल गई। ओली
ओली को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। इसीलिए नेपाल में केपी ओली के इस्तीफे के मांग की तेजी से मांग की जा रही है। जो खेल ड्रैगन ने बनाया वो पलट चुका है। हालांकि अभी भी चीन ओली को गद्दी पर बनाए रखने की पूरी कोशिश में है। भारत जानता है चीन की चालबाजी और नेपाल भी समझ चुका है, इसीलिए चीन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। ये गलवान में चीनी हिमाकत के लिए नहीं बल्कि नेपाल पर चीन की साजिश के लिए। ऐसा ही हाल अब नेपाल में देखने को मिल रहा है। नेपाल में जिस विपक्ष ने भारतीय इलाकों को नक्शे में शामिल कराए जाने पर आंख मूंद कर समर्थन किया था, अब उस विपक्ष की आंख खुल गई है और यांग की ओली के रिश्ते का सच भी सामने आ गया। यांकी काठमांडू पहुंचते ही अपने काम पर लग गई और उन्होंने वहां जाते के साथ ही ओली से कई बार अपॉइंटमेंट ली। वो हर जगह पर प्रधानमंत्री ओली के साथ नजर आने लगी। नेपाल की जनता तक हैरान थी कि आखिर कोई मामूली सी राजदूत कैसे बार बार और इतनी जगहों पर किसी प्रधानमंत्री के साथ नजर आ सकती है। नेपाल में ओली के खिलाफ माहौल बन चुका है। चीनी दूतावास के बाहर लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे में चीनी राजदूत क्या नेपाल में रहेंगे? देखो, यांग की जो चाइनीज एम्बेसडर है उसका रोल तो अपने देश के बिहाफ पे एक्ट करना है। अपने देश की जो उसे इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी फॉरेन मिनिस्ट्री से, वो उसके मुताबिक काम कर रही है। तो चाइना अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक रेप्लिका बनाने के प्रयास कर रहा है नेपाल में, जिसको इम्प्लीमेंट करने में यांग की लगी हुई है। केपी ओली ने दिल की हसरतों को उड़ान देने के लिए यांकी से नजदीकियां बढ़ाईं, लेकिन वो हनी ट्रैप में फंस गए। ये बात पहले कुछ सांसदों को पता थी, लेकिन अब सब जानते हैं। शायद शर्मिंदगी की वजह से इससे बचते रहे। नेपाल के तमाम नेता अब इस बात को जान चुके हैं, बल्कि खुद ओली की पार्टी के जो नेता हैं, वो उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो खुलकर बोल नहीं रहे कि ओली का एमएमएस बना हुआ है, क्योंकि उन्हें बदनामी का डर है। ओली फंसी, चीन भी पर्दा हो गया, लेकिन तब तक चीन की जासूस का काम पूरा हो चुका था। सवाल ये कि भारत नेपाल के रिश्तों में वैसी गर्मजोशी कब आएगी जैसी हुआ करती है। नेपाल के बदले बदले से तेवर देखकर भारत समेत पूरी दुनिया को ये समझने में देर नहीं लगी कि नेपाल भारत के साथ अपने संबंध क्यों बिगाड़ रहा है। सभी को पता है कि नेपाल ने चीन की शह पर यह कदम उठाया है, लेकिन ओली के इस फैसले के पीछे एक और बड़ी वजह भी है, और वो है ओली की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तो अभी तक जितने तेवर नेपाल ने भारत के साथ बदले, उससे हर कोई चकित है, हर कोई आश्चर्य में था, हर कोई अमेज्ड कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो नेपाल जो भारत को अपना बड़ा भाई मानता था, वो नेपाल जिसके साथ भारत ने हमेशा बड़े भाई की तरह हाथ रखा और मदद की, उस नेपाल के इतने सुर क्यों बदल गए? एक कारण तो ये था कि ओली किसी और के हाथों में बंधे हुए थे, जिस पर वो अपने देश को बेचने को तैयार हो गए। उन्होंने ये तक मान लिया कि चलिए चाइना का साथ है तो फिर क्यों ना नेपाल भारत के खिलाफ हो जाए, जबकि नेपाल के हमेशा से भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। नेपाल के इन बदले बदले तेवर को देखकर पूरी दुनिया यही सोचने और समझने में लग गई कि आखिर ये खेल किसने बिगाड़ा। लेकिन ये बहुत जल्दी साफ हो गया कि नेपाल ने चीन की शह पर ही ये कदम उठाया। और अभी भी जब ओली के इस्तीफे की मांग तेजी से जोरों शोरों से चल रही है, तो इसमें भी चाइना कोशिश कर रहा है कि नेपाल की गद्दी पर ओली बने रहे, ताकि उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी कूटनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होती रहे। देखिए, एक और बड़ी राजनीतिक वजह ओली की महत्वाकांक्षा के पीछे है। पैकेज देखिए।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिनती कभी भारत के समर्थक नेपाली नेताओं में होती थी। नेपाल की राजनीति में उनका रुख भारत के पक्ष में हुआ करता था। 1996 में भारत और नेपाल के बीच हुए ऐतिहासिक महाकाली संधि में ओली की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ओली 1990 के दशक में नेपाल में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। वो 2007 तक नेपाल के विदेश मंत्री भी रहे थे। इस दौरान ओली के भारत से काफी अच्छे ताल्लुकात थे। दरअसल भारत को लेकर ओली का हृदय परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। कहते हैं नेता जनता की नब्ज पकड़ते हैं और उसी नब्ज की पड़ताल कर सत्ता के लिए सीढ़ियां तैयार करते हैं। ओली ने भी कुछ ऐसा ही किया। दरअसल नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है जो अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। 2015 में भारत नेपाल के नए संविधान से संतुष्ट नहीं था। भारतीय मूल के मधेसियों के साथ नए संविधान में भेदभाव को देखते हुए भारत ने नेपाली सीमाओं पर अघोषित नाकाबंदी कर दी थी। इस वजह से नेपाल में जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई, जिससे वहां की जनता में भारत के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी थी। ओली ने जनता की इस नाराजगी को 2015 के चुनाव में भुनाया और अपनी जनता से भारत पर निर्भरता कम करने के साथ चीन से संबंध बढ़ाने का वादा किया। ओली को चीन की शह मिली तो उन्होंने भारत को आंखें दिखानी शुरू कर दी। नेपाल की संसद में 13 जून 2020 को जो कुछ हुआ उसके पीछे पूरी दुनिया चीन का हाथ मानती है। ओली के नेतृत्व में नेपाल की संसद में जो नया नक्शा पास हुआ उसमें भारत के 3 इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली नक्शे में दिखाया गया। नेपाल की संसद में जब ओली सरकार नए नक्शे को पास कराने की कोशिश कर रही थी उस वक्त सरिता गिरी एकमात्र सांसद थीं जिन्होंने सरकार की नियत पर सवाल खड़े किए थे। लिहाजा ओली सरकार ने अपनी पार्टी की सांसद सरिता को चीन के दबाव में पार्टी की साधारण सदस्यता से बर्खास्त कर दिया और सांसद पद से भी हटाने का फैसला सुना दिया। हालांकि अब सरिता के साथ नेपाल के कई नेता ओली के इस फैसले को फिजूल और आधारहीन बता रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ट्वीट कर कहा कि